everyone, welcome back to my channel और मैं हूं आपकी दोस्त नीता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इंस्टेंट स्किन ब्लीच जो कि विद इन 5 टू 10 मिनट्स में आपको बहुत ही अच्छे वाला ग्लो देने वाली है, इसके साथ साथ स्किन वाइटनिंग क्रीम। तो दोस्तों ये दोनों ही चीजें नेचुरल है जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंट लाइट और ब्राइट कर देगी। तो अभी मैंने इसी ब्लीच का यूज किया है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगाई है। जब ब्लीच की थी तब भी कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगाई थी ताकि आपको उससे आपको दिख सके कि उसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। तो दोस्तों मैंने अभी ब्लीच किया है, उसके बाद मैंने ये स्किन वाइटनिंग क्रीम का यूज किया है और भी फाउंडेशन नहीं लगाई है। आप यहाँ पे ग्लो देख सकते हैं, तो अमेजिंग वाला ग्लो आता है दोस्तों। इस ब्लीच को किस तरह से बनाना है, इस क्रीम को किस तरह से बनाना है, किस तरह से अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, रिंकल्स हैं, बहुत ज्यादा निशान पड़ गए, तो क्या करें। बहुत बहुत सारे रोज इतने भर भर के कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, जो आप ब्लीच का यूज करते हैं, कोई भी ब्रांड का ब्लीच अगर आप यूज करते हैं, उसमें जो एक्टिवेटर होता है वो बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं उसमें, जो कि आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप अपनी स्किन को धीरे धीरे करके पॉइजन दे रहे हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। दोस्तों जो एक्टिवेटर है, अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा पाउडर का यूज कर लोगे ब्लीच में और अपने फेस के ऊपर लगा लोगे, तो वहीं से आपकी स्किन जो है ना वो जल जाएगी। तो अभी यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक्टिवेटर होते हैं वो कितना ज्यादा डेंजरस होता है स्किन के लिए। तो आप क्या करते हो कि हर महीने में एक से या दो बार आप ब्लीच का यूज करते हो, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हो। दोस्तों क्या होता है कि एक से दो साल बाद या फिर तीन साल बाद आप लगा लीजिए, आपकी स्किन धीरे धीरे पतली होती जाती है, जो ऊपर वाली स्किन होती है वो पतली होती जाती है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा सन टैन हो जाता है, स्किन के ऊपर रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं चीजों के कारण होती है। तो हमेशा जब भी आप किसी भी चीज का भी अपने फेस के ऊपर यूज करें, तो उसको अच्छी तरह से पढ़कर जानकर फिर ही अपने फेस के ऊपर यूज करें। जो घर की चीजें होती है वो नेचुरल होती है, वो आपको बिना नुकसान किए हुए बहुत अच्छी तरह से फायदा देती है। तो चलिए दोस्तों अब दिखाती हूँ कि इस ब्लीच को आपको किस तरह से बनाना है। ये जो ब्लीच है ये मैंने बनाई है फेयर एंड लवली से। जी हाँ, ये वाकई में ही बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, बट इसको आपको एवरीडे यूज नहीं करना है दोस्तों। जब भी आपको किसी फंक्शन में जाना है या फिर आपको किसी भी पार्टी में जाना है, जिस तरह से भी फेस्टिवल सीजन है या फिर आप कोई मेकअप कर रहे हैं, उससे पहले आप इसको यूज कर सकते हैं, बट इसको एवरीडे आपको यूज नहीं करना है, या फिर वीक में एक बार आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, फेस को अच्छी तरह से वॉश किया है ताकि आपको दिखा सकूं कि किसका रिजल्ट किस तरह से आता है। इस ब्लीच को मैंने बना लिया है, फेस के ऊपर अप्लाई करना है और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आपको 2 से 3 मिनट लगाकर अच्छी तरह से मसाज करनी है। मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा। उसके बाद फिर से अगर आपके पास टाइम है 2 से 3 मिनट इसी तरह से छोड़ दीजिए, फेस को वॉश कर लीजिए, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन इंस्टेंट थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी। उसके बाद आपको यूज करना है इस क्रीम का। ये क्रीम किस तरह से बनानी है ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये केसर की क्रीम है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं आपको पता होगा। तो इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं, लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बना तो इस क्रीम को बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो अभी बताती हूँ कि इस ब्लीच को आपको किस तरह से बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है फेयर एंड लवली, आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आयुर्वेदिक वाली फेयर एंड लवली, आप व्हाइट वाली भी ले सकते हैं या विंटर वाली आती है वो भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी स्किन के लिए काफी ज्यादा बेटर होती है, आपकी स्किन को व्हाइट करती है। इसको आप वीक में एक बार आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है इस क्रीम का, जितना भी आपको अपने फेस के ऊपर लगाना है, अपने नेक के ऊपर लगा सकते हैं, अपने हाथों के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 2 टीस्पून, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे टीस्पून है मैंने इस क्रीम के ऐड किए हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाएगी और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से व्हाइट करेगी, क्योंकि इसमें केसर है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे तो काफी ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसके बाद जो तीसरी चीज आपको इसमें ऐड करनी है, वो आपको ऐड करना है 1 टीस्पून आपको लेमन जूस का ऐड करना है। लेमन में बहुत ज्यादा ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, इंस्टेंट आपकी स्किन को ये जो भी डार्कनेस होती है उसको रिमूव करता है, बट अगर आपकी स्किन के ऊपर आपको जो है ना लेमन सूट नहीं करता है, तो आप इसकी जगह पे टमाटर का रस भी इसमें 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज का रस भी, ऑरेंज का जो जूस होता है वो भी आप इसमें फ्रेश निकाल के 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। तो तीनों चीजों को मिक्स करना है और फेस को वॉश कर लीजिए, और जब भी आप इसको यूज कीजिए सोने से पहले कीजिए, क्योंकि हमने इसमें लेमन डाला है। जब भी आप कोई भी लेमन या हल्दी वाली चीज का यूज करते हैं उसको सोने से पहले कीजिए। अगर आप उसको दिन में करके धूप में जाते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर 100% जो है ना
बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स होने के चांसेस होते हैं अगर आप सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हैं। तो जब भी आप हल्दी वाली कोई चीज या फिर लेमन वाली चीज का फेस के ऊपर यूज करते हैं तो उसको आप सोने से पहले कीजिए। ये बहुत ही अच्छा टिप दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो तीनों चीजों को मिक्स करना है अपने फेस के ऊपर, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से लगा लेना है। इस ब्लीच को आप ट्राई कीजिए। इसके बाद आपको यूज करना है इस क्रीम का। इस क्रीम का आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको आज ही ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।